नमस्कार दोस्तों, आप छोटे भाइयों की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है स्टार के बारे में, चाहे ये जो सिटी डोरी हो इसके बारे में, कैप के बारे में, सारी चीज़ के बारे में। तो ये देखो, सब चीज़ का एक नियम बना हुआ है ना। जैसे आप लोग फोटो के भी पूछते हैं ऑफिस में कौन कौन फोटो लग सकती है, तो नियम बना हुआ है, तो उस नियम के अकॉर्डिंग ही चला जाता है। अब विषय होता है कि स्टार ट्रेनिंग में क्यों नहीं लगाते हैं। जैसे मेरे से आज किसी ने सवाल किया, तो ट्रेनिंग में ना लगाने का भी प्रावधान नहीं है, लगाने का भी प्रावधान नहीं है। मतलब जो वो चाहे तो अकॉर्डिंग जो वहाँ के अधिकारी हैं उन पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने बैच के हम लोग का बैच का दो जगह ट्रेनिंग चल रही थी, एक सीतापुरम और एक मुरादाबाद में। मुरादाबाद वाले दो फित्ती लगा के ट्रेनिंग कर रहे थे और हम लोग एक स्टार लगा के ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैंने अपने गुरु से पूछा, जो मैंने आपको बताया था, हमारे गुरु श्री बाबूलाल आर्या साहब थे रेजिडेंट, वो कांस्टेबल से बिगुलर हुए, बिगुलर से हेड कांस्टेबल हुए, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, और 14 ईयर्स, 14 साल वो डिप्टी एसपी की जॉब करने के बाद रिटायर हुए थे। तो मैंने पूछा, सर आप हम लोगों को स्टार लगा के ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हैं और वो लोग तो वहाँ नहीं करवा रहे हैं। तो उन्होंने लॉजिक दिया था और बहुत अच्छा था, सटीक था, होना भी चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम अभी स्टार लगाना नहीं सीखोगे तो पूरे जीवन स्टार गलत लगाते रहोगे, समझ ही नहीं आएगा तुम्हें कि स्टार कैसे लगाए जाते हैं, लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। ऐसा होता है, हमने एक बार बनारस में एक मुखबिर पकड़ा था, वो दरोगा की वर्दी में घूम रहा था, दूसरे किसी का मुखबिर था, दरोगा की वर्दी में घूम रहा था, सिर्फ इसलिए पकड़ा गया था कि उसने स्टार गलत लगा रखे थे। अब आप सोचो कि गलत और स्टार भी सही होते हैं। हाँ, ये गलत और सही भी होते हैं, और उनका बहुत सही लॉजिक भी था कि जब ट्रेनिंग में हम सीखते हैं तो जैसे गजिस्टर्ड अफसर के वाइट होते हैं हमारे यहाँ, जैसे अदर स्टेट में सिल्वर होते हैं, तो जो पीतल वाले होते हैं उनमें ब्रास वो लगा के साफ करने पड़ते हैं, तब वो चमकते हैं, अच्छे लगते हैं, अदरवाइज काले हो जाएंगे। तो वो भी एक अनुशासन में आता है, जैसे सुबह उठ के रोज शेविंग करना है, इसी तरह अनुशासन में वो भी आता है कि स्टार को साफ करना, साफ करके लगाना, और साफ यूनिफॉर्म, अच्छी वेल मेंटेन प्रेस यूनिफॉर्म के ऊपर अगर आपके चमकदार स्टार लगेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है, दूर से कोई भी देख के प्रभावित होता है। तो उनकी बात में इसलिए दम था कि देखो आपको बता रहा हूँ, ये स्टार है, ये मेरे मेरा एक फ्लैप है, उसमें ये स्टार है, ठीक है। फ्लैप आने लगा जो थोड़ा सा इजी रहता है, हार्ड भी रहता है, तो उससे क्या होता है ना कि अच्छे लगते हैं स्टार। ये ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या अंतर है। देखिए आप इसको गौर से देखिए, ये देख रहे हैं आप, यूं जो स्टार लगाने का नियम है वो ये है कि ये 3 पिन अप होगी और 2 डाउन होगी। अगर आप नहीं जाने रहोगे तो 2 वाला आप ऊपर लगा दोगे, क्योंकि वो लगाने की चीज़ तो उसमें एक ही है। जैसे मैंने ये निकाल दिया पिन, इसमें लगाने के छेद 2 ही हैं, हम इसको ऐसा कर देंगे तो ये टू टू अप वो हो जाएगा। अब ये हो गया, तिरछा हो गया, देखो कैसे खराब हो गया। ये इनके दोनों की नोक किनारा ऊपर की तरफ है और ये इसका नीचे की तरफ हो गया, पूरा स्टार उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए जो सिखाया जाता था ट्रेनिंग में, उसका पर्पज ही यही है कि आप कभी अपनी नौकरी में गलत ना लगा दें स्टार, नहीं लोग हंसेंगे आपके ऊपर। कई बार क्या होता है ना, आदमी दिखा रहा हूँ अभी आपको, यूपीपी भी उल्टा लगा के चल देता है। वो सिखाया जाता है इसलिए कि जब आप ट्रेनिंग में लगाएंगे तो आप सीखेंगे, जानेंगे। ये जो है ना उत्तर प्रदेश पुलिस, इसको भी अगर घुमा के लगा दिए तो ऊपर हो जाएगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। इसलिए ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता था कि आप कोशिश करें अपने स्टार साफ रखें और सही लगाएं। ये आदत में आ जाता है कि 3 अप 2 डाउन एक थंब रूल है ट्रेनिंग में स्टार लगाने का, जो उस्ताद सिखाते हैं कि स्टार का 3 कोना ऊपर और 2 कोना डाउन, 3 अप 2 डाउन। और जो नहीं लगाते उन्हें ये रूल बताएंगे ही नहीं। दूसरा जो नहीं लगाने का रीजन है, जो मुझे समझ आता है, होता है क्या है कि ट्रेनिंग में, पूरी ट्रेनिंग में हम लोगों की बहुत रफली होती है, और उसमें आधा पार्ट होता है कि हम बड़ी वाली राइफल के साथ ड्रिल करते हैं। तो राइफल उठा के जब कंधे पर रखते हैं तो स्टार भी होंगे यहाँ, तो जब कंधे पर रखेंगे तो स्टार से ये चुभता है, जो नीचे का एरिया है ये बॉडी में चुभता है, तो बहुत लोगों को कट जाता है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं कि 2 स्टार जैसा एक लाल पट्टी दो लगा देते हैं, तो वो इजी रहता है अगर इस पर राइफल रहेगी। और दूसरी चीज, राइफल से जब हम बट सलूट करते हैं तो हम उसको डाउन करते हैं, खींचते हैं, तो फ्लैप के साथ ही स्टार चले आएंगे, खींच जाएगा, है ना। तो इसलिए, शायद इसलिए, जो मेरा मुझे लगता है लॉजिक, कि वो कंफर्टेबल नहीं है, इजी नहीं होता है ट्रेनिंग के लिए, इसलिए नहीं लगवाया जाता है स्टार।
एक इसका दूसरा पहलू ये हो गया क्यों नहीं लगवाए जाते हैं। इसी तरह आप बहुत लोग देखते होंगे कि हम लोग जब ट्रेनिंग में होते तो चेस्ट नंबर होता है बेल्ट में, बेल्ट के ऊपर हमें अपना चेस्ट नंबर लगा के रखना पड़ता है। पूरे ट्रेनीज जितने भी होते हैं सबको चेस्ट नंबर दिया जाता है 1 2 3। जैसे अगर हम स्पोर्ट्स में रहते हैं तो हम पीटी ड्रेस पहनते हैं, वाइट टी शर्ट और वाइट नेकर, उस पर बेल्ट रहती है वाइट, और चेस्ट सामने लगा के रखते हैं चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर का मतलब ही हुआ सीने पे, तो पता चलता है कि रिक्रूट नंबर ये है। और उस चेस्ट नंबर से पता चल जाता है, हर 24 24 की टोलियां डिवाइड रहती हैं ट्रेनिंग में, कि 24 लोगों की एक टोली है, उसमें उस टोली का ये बंदा है, पता चल जाता है। 1 से 24 तक एक टोली का, 24 से ऊपर के दूसरे टोली का, ये उनको अनुमान रहता है। और कहीं कुछ गलती करते पकड़े गए तो वो चेस्ट नंबर से पकड़ में आ जाता है, क्योंकि अब वाइट ड्रेस में सब एक जैसे दिखेंगे, किसने गलती किया नहीं पकड़ में आता, समझ आता। तो इसलिए उनको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। और अनुशासन, अनुशासित पुलिस में हैं आप तो अनुशासन वहीं से सिखाया जाता है कि ये सब आपको वेयर करनी है, धारण करनी है, जैसे आपको इसका बताया। इसी तरह बेल्ट होती है, बेल्ट को आपको हर 2 दिन में साफ करनी है। मतलब कि हम लोग तो अल्टरनेट करते थे, जैसे आप जिला पुलिस में आ जाओगे तो उतनी गंदी नहीं होती, क्योंकि जब तक उसमें पीतल में हाथ टच नहीं होते तब तक गंदी नहीं होती। और हम लोग जब ट्रेनिंग में होते हैं तो अक्सर टचिंग ज़्यादा होती है और थोड़ा रफ होता है। हम जंगल ट्रेनिंग भी करते हैं, हम ग्राउंड में भी करते हैं, हम क्रॉलिंग भी करते हैं, है ना, हम बैनेट फाइटिंग की भी ट्रेनिंग लेते हैं, हम बलवा की भी ट्रेनिंग लेते हैं, सारी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं, हर चीज़ की एक ड्रिल है। तो इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार का मैंने आपको बता दिया कि स्टार कैसे और क्यों लगवाए जाते हैं और ट्रेनिंग में क्यों लगवाना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ट्रेनिंग में लगवाना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रेनिंग में लगवाएंगे तभी जो नए सब इंस्पेक्टर होंगे वो समझ पाएंगे। इसी तरह आप कैप का भी पूछते हो, तो कैप हमारे समय में कैप 3 प्रकार की होती थी, एक चौकोर कैप, एक बैरेट कैप जो गोल वाली होती है, और एक पी कैप जो आगे होती है। तो इन कैप का भी मैं एक दिन आपको अलग से बता दूंगा कि तीनों के कब कब क्या होते थे। हालांकि आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो चोकोर वाली कैप होती थी, जैसी आजकल आप देखते हो एयरफोर्स में लगाते हैं, वो हमारी पुलिस में भी थी। एग्जैक्टली वर्किंग कैप वही थी, लेकिन क्या है ना, वो सर पे रुकती नहीं है। अगर आपको दौड़ना पड़ जाए, भागना पड़ जाए, सर आपका ऐसे हो जाए तो गिर जाएगी। और ये जो कैप होती है बैरेट कैप, ये फिक्स हो जाती है एकदम सर में, तो इसका वो फर्मा बहुत अच्छा आता है, फिक्स हो जाती है, तो इसलिए इसको फिर हम वर्किंग कैप कर दिए। अदरवाइज ये सिर्फ जंगल कैप थी और वो हमारी वर्किंग कैप थी, और पी कैप हमारी सेरेमोनियल कैप थी। उसके विषय में अलग से बात करेंगे किसी दिन। ये आज का यही था कि ये हम कैसे इनको लगाते हैं, इनको लगाने का क्या नियम है। कभी भूलिएगा नहीं, जो अंडर ट्रेनीज हैं कर रहे हैं वो ये याद रखें, 3 अप 2 डाउन, और ये यही इसका थंब रूल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।